अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, आज पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे बाय कंपैरिजन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें सवाल में हमें क्या कह रहा है, एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंपैरिजन मेथड। मतलब सवाल में कह रहा है एलिमिनेट, मतलब हमें पता है ख़त्म करना होता है, हमें वी आई को ख़त्म करना फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंपैरिजन मेथड से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, हमारे पास दो इक्वेशन गिवेन है, इसमें से वन बाय वन हमने वी आई की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले हम इक्वेशन वन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें से हम वी आई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए वी एफ इधर ऐसे ही रहेगा, प्लस का ए टी है, इक्वल से पहले लाएंगे माइनस का ए टी हो जाएगा इक्वल टू वी आई, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें वी की वैल्यू फाइंड हो गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से वी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखें एस इधर ऐसी रहेगा, प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल के बाद इक्वल से पहले लाएंगे तो माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बच गया, इक्वल के बाद वी आई टी, ठीक है। अब देखें इक्वल लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे एस के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन होता है, ठीक है। अब वन और टू का एलसीएम हम लेंगे तो पता है हमें टू आएगा, अब टू डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो टू आएगा और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टू एस हो जाएगा, ठीक है। माइनस के निशान इधर ऐसे ही रहेगा, अब टू से टू डिवाइड होगा तो वन, वन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये वन से मल्टीप्लाई हो गया ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ वी आई टी इधर ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वी आई टी, अब टी यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में, इक्वल से पहले यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए टू एस माइनस ए टी स्क्वायर पॉइंट टू टी, सही है, इक्वल टू वी आई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 से हमने वी आई की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम इन दोनों को कंपेयर करवा लेंगे कंपैरिजन मेथड, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं, देखिए यहाँ पे भी इक्वेशन 3 में वी आई है और यहाँ पे भी वी आई है, तो वी आई वी आई दोनों सेम हो गया। अब इसे ऐसे लिख देंगे वी एफ माइनस ए टी इक्वल टू 2s माइनस ए टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। अब देखें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझे 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2t, सेम प्रीवियस मेथड से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे पार्ट 1 में, वी एफ माइनस ए टी इक्वल टू 2s माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2t वी एफ माइनस 2at स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इक्वल टू 2s माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2t वी एफ माइनस 2at स्क्वायर इधर ऐसी रहा, ये माइनस का 80 स्क्वायर है, इक्वल से पहले लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यहाँ ऐसी बची है, ठीक है। अब देखें 2t
PVF माइनस, अब देखे सॉरी माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारा माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे माइनस AT स्क्वायर इक्वल टू 2S। अब इस इक्वेशन में देखें VI जो है कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। ठीक है, अब हम वन बाय वन VI की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया हमने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ठीक है, अब देखिए VI की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो वी एफ स्क्वायर इधर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 2GS इक्वल टू, तो पहले लाएंगे माइनस का 2GS हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा प्लस का VI स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इक्वल के बाद VI के ऊपर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने इक्वल से पहले क्या लग जाएगा, रूट। अब इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, इक्वल से पहले हमें रूट लगाना है, तो रूट वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS इक्वल टू VI बच गए यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ से VI की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, VF इक्वल टू VI प्लस का GT। ठीक है, और इसमें से VI की वैल्यू फाइंड करते, देखिए VF इधर ऐसी रहेगा, ये प्लस का GT इक्वल के से पहले लाएंगे माइनस का GT हो जाएगा इक्वल टू VI, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करवाना है, तो मैं इधर लिख लेता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा देते हैं, यहाँ पे भी VI है, यहाँ पे भी VI है, तो VI कंपेयर हो गया, सेम है दोनों। अब देखें ये बच गया क्या, रूट VF स्क्वायर माइनस 2GS इधर बच गया, और इधर क्या बच गया, इक्वल टू VF माइनस GT। ठीक है, अब देखें इक्वल से पहले हमारा रूट लगा हुआ है, तो हमें इस रूट को खत्म करना है, तो हमें पता है रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैं शॉर्टकट लिखाऊं, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा, मतलब फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, तो देखें इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS का स्क्वायर इक्वल टू वी एफ माइनस GT का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, वी एफ स्क्वायर माइनस का 2GS इक्वल के बाद क्या बच गया, अब देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला में खुल रहा है, तो इसको हम खोल लेते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस 2VFGT माइनस, अब जी और टी दोनों के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई होगा, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो देखें G का स्क्वायर हो जाएगा और ये T का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS इक्वल टू, देखें इक्वल से पहले वी एफ प्लस का, इक्वल से इसको पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का वी एफ स्क्वायर इक्वल के बाद माइनस 2VFGT माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसी उतरी है। ठीक है, अब देखें ये प्लस का वी एफ ये माइनस का वी एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, माइनस का 2GS इक्वल टू माइनस का 2VFGT माइनस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये हमने माइनस में नहीं लेना है, इसको हम थोड़ा सा सेटिंग करना है इसकी, तो देखें ये माइनस का 2VF है, इक्वल से पहले इसको ले आते हैं, तो
प्लस का 2vf gt हो जाएगा ये, और ये माइनस के इक्वल से पहले लाएंगे प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का इक्वल से पहले है, इक्वल के बाद भेज देंगे तुम प्लस का, सॉरी इक्वल के बाद भेजेंगे तो उसको प्लस का 2gs हो जाएगा ये। अब देखें यहां से भी हमारा vi कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।